नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पश्चिम बंगाल और असम में इस समय पहले चरण का मतदान चल रहा है। बंगाल के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए अभी वोट डाले जा रहे हैं, जबकि असम की 47 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण के मतदान में मतदाता खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार दोपहर 3 बजे तक पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है। 70.17% तक वोट 3 बजे तक पड़ चुके थे। पूर्वी मिदनापुर में 72.38% तक वोटिंग अब तक हो चुकी है, जबकि पश्चिमी मिदनापुर में 68.76% तक वोटिंग की खबर आई है। झारग्राम में 72% से ज्यादा, पुरुलिया में लगभग 70% और बांकुड़ा में 68% वोटिंग इस समय तक हो चुकी है। और ये आंकड़े कुछ देर पहले के हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि बम्पर वोटिंग बंगाल में। हमारे दो संवाददाता इस वक्त कांथी यानी कि ईस्ट मिदनापुर से अनुपम मिश्र और असम जोरहाट से हमारे साथ हमारी संवाददाता तनुश्री पांडे। जबरदस्त वोटिंग अनुपम हो रही है, लेकिन एक आरोप ममता बनर्जी ने लगा दिया कि ये तो सीधे सीधे बांग्लादेश का दौरा और वहां पर बंगाल की बात करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। तो क्या अनुपम मतुआ समुदाय का असर वोटों पर जो है वो बांग्लादेश दौरे से पड़ रहा है? और ये भी बताइए कि वोटिंग किस तरह की चल रही है इस समय। जी सईद, वोटिंग लगभग अब खाली हो गया है। मैं अपने पीछे अगर दिखाऊं तो सुरक्षा कर्मी आपको दिखाई देंगे। इक्का दुक्का लोग ज़रूर आ रहे हैं वोटिंग के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने वोटिंग कर ली है और अब सिर्फ 2 घंटे का समय बचा है। तो ऐसे में और हो सकता है 10-20% लोग ही बचे हैं जो आएंगे वोट देने। और दूसरी तरफ मतुआ समुदाय की अगर हम बात करें तो 1,80,00,000 के पास मतुआ जो संप्रदाय है वो बंगाल में रहता है। और ऐसे में मतुआ संप्रदाय लगभग 40 के आसपास जो सीटें हैं, खासतौर पर नदिया उत्तर 24 परगना में, इन सीटों को प्रभावित करता है विधानसभा की। तो मतुआ समुदाय खास है इस बार इस लिहाज से और दोनों ही पार्टियों के लिहाज से, क्योंकि पिछली बार का अगर हम 2019 का चुनाव देखें तो बीजेपी के पक्ष में मतुआ समुदाय ने वोट दिया था, 2 सीटें उन्होंने निकाली थी, लेकिन CAA की जो बात बीजेपी ने कही थी उस पर वो कायम नहीं हुई, लागू नहीं हो पाया। तो ये लेके दुविधा है कि मतुआ समुदाय किसके पास जाएगा। मतुआ समुदाय चाह रहा था CAA लागू हो, लेकिन अभी भी बीजेपी की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। मैनिफेस्टो में आखिरकार अमित शाह ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में हम इसे लागू करेंगे। तो इसी वजह से मतुआ समुदाय खास है। और जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश जा रहे हैं, जो हरिचाँद ठाकुर की जन्मस्थली है, वहां पर जाकर मतुआ समुदाय के जब जा रहे हैं तो ममता बनर्जी का जो आरोप है उसका इसी लिहाज से हमें समझना चाहिए कि मतुआ समुदाय कितना, दोनों ही पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस चुनाव में। ठीक है अनुपम। तनुश्री, आप जोरहाट असम में हैं। तनुश्री, पिछली बार जब बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बनाई थी, बहुत जोर शोर से अपनी सरकार बनाई थी, ज़बरदस्त जीत वहाँ पर हासिल की थी, लेकिन इस वक्त और इस बार के विधानसभा चुनावों में वो आत्मविश्वास तनु नज़र नहीं आ रहा है। और वो जो मुद्दे, अहम मुद्दे वहाँ के हैं, क्या उन्हीं पर इस बार का चुनाव हो रहा है? क्या एंटी इनकम्बेंसी इस बार दिखाई दे रही है और इस वक्त वोटिंग कैसी चल रही है? सबसे पहले हम आपको वोटिंग परसेंटेज दे देंगे। अगर हम 4 बजे तक की बात करें तो 62.17 वोटर टर्नआउट रहा है अब तक, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 47 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पे वोटिंग हो रही है वहां अब तक का वोटर टर्नआउट है 62.17। अब हम मुद्दों की बात करते हैं। दोनों ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार लास्ट 5 साल में थी, और कांग्रेस पार्टी जिन्होंने एक बड़ा अलायंस किया, बदरुद्दीन अजमल के साथ अलायंस किया असम में, दोनों ही पार्टी ने अपने अपने तरीकों से अपने अपने मुद्दों को आगे रखा। कांग्रेस ने सीए के मुद्दे को बहुत बढ़ चढ़ के आगे रखा कि हम आएंगे तो एंटी सीए प्रोविजन लाएंगे, जबकि बीजेपी का कहना था कि सीए असम में कोई मुद्दा ही नहीं है और हम लोगों ने विकास किया है। हम लोग जो घुसपैठी है, जो एक अस्मिता बोली जाती है असम की, जो सबसे बड़ी उनका इशू है, हम उस पे बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जरूर ये देखा गया कि हाँ, दोनों ही पार्टी का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम था। क्योंकि हम सईद आपको सबसे एक जरूरी बात बता दें कि अगर असम की बात करें तो कांग्रेस का लीडरशिप जितना स्ट्रांग असम में है उतना स्ट्रांग कहीं नहीं है। बीजेपी ने सोचा था ये उनकी आसानी से ये सीट उनको मिल जाएगी, पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी
टक्कर दी है अपने अलायंस को, अलायंस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को। तो वोट किस ओर जाते हैं ये तो सिर्फ समय बताएगा, पर आपको मैं दिखा दूं कि असम में इस वक्त भी आप कतार देखिए सईद कि कितनी बड़ी कतार है और लोग इतने भारी तादाद में वोटिंग करने बाहर आए हैं। मैडम से पूछूंगी, मैम आपसे एक जवाब लूंगी, किसको वोट करेंगे मुझे मत बताइएगा, क्या सोच के वोट करेंगे वो बताइए। सभी का अच्छा हो और डेवलपमेंट हो, हमारे डेवलपमेंट हो। दीदी आप बताइए, दीदी क्या सोच के वोट करेंगे बताइए, दीदी बताएंगे डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए वोट करेंगे। सीए एनआरसी मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट पे करेंगे। दीदी आपसे पूछेंगे, दीदी किसके मुद्दा बताइएगा, किसको वोट करेंगे ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे, क्या सोच के बटन दबाएंगे आज, क्या चलेगा दिमाग में? स्थानीय मुद्दे हैं, जोरहाट का विकास है, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, क्या है? जोरहाट का विकास होना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना नहीं चाहिए। अच्छा तो वो भी कोई मुद्दा है? सही नहीं, यहाँ पे सभी लोग मुझे बता रहे हैं कि जो एक एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो उनके दिमाग में चलने वाला है वो है कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा। और जैसे आपने भी बोला कि ये बहुत अच्छी बात है कि स्टेट असेंबली इलेक्शन जब होते हैं तो स्थानीय मुद्दों पे लोग बात करें, स्थानीय मुद्दों को दिमाग में रखकर वोट करें। कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि हाँ सीए भी एक मुद्दा है, पर सबसे सेंट्रल फोकस जो अभी मुद्दों ने लिया हुआ है वो है विकास का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। तो वो सोच के लोग आज बटन दबाएंगे। और इस वक्त तक 62.17 वोटर टर्नआउट रह चुका है और आप अच्छा, देखिए हाँ अभी भी महिला बूथ है, महिलाओं की तादाद पुरुषों की तादाद से बहुत ज्यादा है सईद। बिल्कुल बिल्कुल सईद, बिल्कुल सही। धन्यवाद, हम सुबह से ये देख रहे हैं कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं बड़ी तादादों में बाहर आ रही हैं और वोट करने के लिए सभी को बता रहे हैं। बहुत धन्यवाद तनुश्री पांडे और अनुपम मिश्र, हमारे दोनों संवाददाता यहां पर हमारे साथ थे। लेकिन बंगाल की एक बार फिर से बात करें, असम की बात, तो बंगाल के चुनावों में जिसका डर था वह हुआ। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बाद भी पहले ही दौर के मतदान में हिंसा हुई है। सीपीएम के उम्मीदवार पर हमला हुआ तो शुभेंदु अधिकारी के भाई शुभेंदु की कार को तोड़फोड़ दिया गया, निशाना बनाया गया। ये देखिए जबरदस्त हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई हैं और ये डराती है। बंगाल की सियासत का सबसे बदनुमा चेहरा है, लोकतंत्र पर सबसे बड़ा वार। पश्चिम बंगाल के सालबोनी में गुंडों ने बूथ के बाहर गरघेटा सीट पर सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमला बोल दिया। सुशांत घोष जैसे ही बूथ के बाहर निकले, गुंडों ने पहले उन्हें धक्का दिया और फिर उनकी गाड़ी पर जमकर तोड़फोड़ की। उनके समर्थकों की हमलावरों से हाथापाई भी हुई और इस बीच पुलिस तमाशबीन बनी रही। सुरक्षा का कोई इंतजाम नजर नहीं आया, जैसे तैसे वो वहां से निकले, अपनी गाड़ी में सवार हुए और जान बचाकर भागे। इस दौरान गुंडों ने उनके साथ आई गाड़ियों का भी पीछा किया। उन पर पत्थर बरसाए, बंगाल में एक बार फिर से हिंसा का काला अध्याय सामने आ गया। सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष ने इशारों में तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। राज्य शासक दल छाड़ा बोली गए नहीं बुझते देया होय नहीं और बाकी बेरिया सर पर जो घटना घटल से गणतंत्र लज्जा छाड़ा किसु ना। जिन गणतंत्र कथा बोलें, जिन नाटक करें, तार बोझा उचित। ये जिनिस पश्चिम बांगलार मानुष बरदास्त करबे ना समय अपेक्षा। उधर शुभेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु की गाड़ी पर हमला हुआ। हमले के दौरान सुमेंदु गाड़ी में मौजूद नहीं थे, उनके ड्राइवर को चोट आई है, वहीं गाड़ी में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। सुमेंदु हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। वो इलेक्शन एजेंट है भारतीय जनता पार्टी का, जो प्रत्याशी है उसका गाड़ी का ऊपर यहाँ का जो टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है राम गोविंद दास, उनका पूरा पूरी मदद से उनको खड़ा होके वो गाड़ी को तोड़ा है, ड्राइवर को पीटा है। वहाँ पर अभी वहाँ वो लोग रिगिंग करने का कोशिश कर रहा था, तो वहाँ इलेक्शन एजेंट के नाते वो गया हुआ था। तो अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को पुलिस को बताया है। और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो बंगाल के चुनाव की कुछ दिलचस्प तस्वीरें आपको दिखाएंगे।
आप देखते रहिए आज तक। तो बंगाल में पहले दौर के चुनावी युद्ध के बीच बंगाल में जुबानी जंग बिछड़ी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ममता हार रहे हैं, तो टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि बंगाल की बेटी नंदीग्राम में गद्दार को हरा रही। दीदी जो पहले कभी आज की चुनाव की 27 सीट जीती थी 30 में से, आज पूरा मामला उल्टा हो गया है और उनकी बातचीत देखिए बुखला गई है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। उनके कार्यकर्ता जमीन पर नहीं है, वो खुद जितना संभव प्रचार कर रही है और विषय सारा हट गया है। चुनाव का मुद्दा, विकास का मुद्दा नहीं है। टूटा हुआ पैर दिखा करके वो भीख मांग रही वोट की, इसका मतलब वो डर चुकी है, हार चुकी है। और जिस प्रकार से भाषा व्यवहार कर रही है वो प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर के हमारे नेताओं के बारे में और उनके साथ काम किए हुए लोग जो आज अलग हो गए उनके बारे में इस पर शब्द प्रयोग कर रही है, ये बंगाल के राजनीतिक कल्चर नहीं है। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। मोदी शाह और उनके टूरिस्ट गैंग के अन्य सदस्यों के साथ हर संस्था को नष्ट करने की कोशिश वो लोग करते रहेंगे। बंगाल की महिलाएं अपने तरीके से साड़ी पहनती है और पहनती रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।